रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसद से बचो क्योंकि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। यानी हसद एक ऐसी रूहानी बीमारी है, रूह की बीमारी है। जैसे बॉडी की डिजीज़ होती हैं, इसी तरह स्पिरिचुअल डिजीज़ भी होती हैं, रूहानी बीमारियां भी होती हैं, जो इंसान की रूह को वीक कर देती हैं। इंसान के अंदर जो बुग्ज है, कीना है, हसद है, ये जितनी भी चीज़ें इंसान की रूह के लिए ये मोहलिक हैं, फैटल हैं इंसान की रूह के लिए। तो अल्लाह के नबी यही बात फरमा रहे हैं। हज़रत सैयदना अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हम एक मरतबा मस्जिद में बैठे हुए थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ मौजूद थे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अब मस्जिद के दरवाजे से एक जन्नती शख्स दाखिल होगा। तो हमने देखा कि एक शख्स दाखिल हुआ जिसके बाएं हाथ में जूते थे और उसकी दाढ़ी से पानी जो है ना, वुजू का पानी टपक रहा था। तो वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। फिर दूसरे दिन हम बैठे हुए थे, तो फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही फरमाया कि मस्जिद के दरवाजे से एक जन्नती शख्स दाखिल होगा। तो फिर वही अंसारी साहबी दाखिल हुए। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। तो जब तीन दिन ऐसे गुजर गए, तो अब्दुल्ला इब्ने उमर अमर भी इब्ने आस रजी अल्लाह तआला अन एक सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि मैं तीसरे दिन उनके पीछे चला गया उनके घर। तो मैं उनसे जाकर कहा कि हजरत, मैं आपके पास तीन दिन रहना चाहता हूँ, मेरी वालिद साहब से थोड़ी लड़ाई हो गई है, तो मैंने तीन दिन तक उनके पास जाने से कसम खाई है कि मैं तीन दिन तक उनके पास ही जाऊँगा। तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी रहने की। तो अब वो वहाँ पर रहने लगे, रात को वो वहीं सोने लगे, अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने आस रज़ी अल्लाह तआला। तो फरमाते हैं, रात के वक्त मैं देखता इसका कोई भी अमल नहीं होता, ये थोड़ी सी नींद अगर इनकी खुलती भी सही, आँख खुलती तो ये अल्लाह का थोड़ा सा जिक्र करते और फिर दूसरी करवट सो जाते, और इसी तरह सुबह की नमाज के लिए, फजर की नमाज के लिए उठते थे सिर्फ। तो इसी तरह मैं देखता रहा, एक दिन देखा, दो दिन देखा, तीन दिन देखा। मैंने समझा पता नहीं इसकी कितनी इबादत होगी जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने बशारत फरमाई है तीन मरतबा के ये शख्स जन्नती है। तो जब तीन दिन गुजर गए, तो मैंने फिर उस शख्स से कहा कि मैं, अब मेरी कोई लड़ाई नहीं थी अब मेरे वालिद साहब से, मैं सिर्फ आपका अमल देखने के लिए आया था कि अल्लाह के नबी ने आपको जन्नत की बशारत दी है आपके बारे में, तो आपका पता नहीं ऐसा कौन सा अमल है, तो मैं वो आपका अमल देखना चाहता, लेकिन आप तो नॉर्मल जैसे अमल करते हैं लोग वैसे ही करते हैं। तो फरमाया, हाँ बेटा, यही मेरे अमाल हैं जो आप देख रहे हैं। तो मैं जाने लगा, तो पीछे से आवाज़ दी उन्होंने और फरमाने लगे कि मेरा जो अमल सुनना चाहते हो तो ये है कि मेरे दिल के अंदर किसी मुसलमान के लिए खोट नहीं है, किसी के लिए हसद नहीं है, मैं किसी मुसलमान से हसद नहीं करता हूँ, मैं कभी भी जेलस नहीं होता, यही मेरा अमल है, बाकी तो मेरे अमाल आप ही की तरह है। यानी ये इतना बड़ा अमल है, यानी जिस शख्स के दिल के अंदर हसद नहीं होगा, कीना नहीं होगा, बोझ नहीं होगा मुसलमानों के लिए, वो चलता फिरता जन्नती है। तो ये चीज़ है कि इंसान जेलसी से बचे। हसद क्या है कि आप किसी के पास कोई नियामत देखते हैं, कोई ब्लेसिंग देखते हैं, आपको वो बर्दाश्त ना हो, आप कहें कि मेरे पास आए ना आए लेकिन इसके पास ना रहे। किसी की आपने गाड़ी देख ली, किसी का आपने अच्छा घर देख लिया, किसी को अल्लाह ताला ने खूबसूरती दी है तो आप उससे जेलस हो रहे हैं, तो ये चीज़ इस्लाम के अंदर पसंदीदा नहीं है। हसद करने वाला शख्स दुनिया में भी तड़पता है और आखिरत में तो उसे अजाब हो गई होगा, उसकी नेकियां भी ख़त्म हो जाती हैं और उसकी जो फिज़िकल हेल्थ है, जो मेंटल हेल्थ है, वो भी उसकी रिटार्ड होती है, वो भी मुतासिर होती है। यानी हसद का सिर्फ नुकसान आखिरत में नहीं है बल्कि दुनिया में भी, आप ज़हनी तौर पर भी हर वक्त टेंस रहते हैं और आपकी जो जिस्मानी सेहत है उसको भी ये इफ़ेक्ट करता है। तो हसद से बचा जाए कि अल्लाह ने अगर किसी को नेमत दी है वो अल्लाह ताला की अता है, अल्लाह हकीम ज़ात है, अल्लाह जिसे चाहते हैं जितना चाहते हैं अता करते हैं, हम कौन होते हैं अल्लाह की अता पर सवाल करने वाले। अल्लाह ने जिसे जितना दिया है वो उसका हकदार था नहीं था ये अल्लाह जाने और वो शख्स जाने। अल्लाह ने जितना हमें दिया है अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, यानी हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना चाहिए।